कैसी लगी? अच्छी मूवी लगी, अच्छा लगा मतलब? मुझे कहानी अच्छी लगी, किरदार सब, आई लाइक द मूवी इन टोटैलिटी। अजय शर्मा का कलाकारी क्या? अच्छा, बहुत रियलिस्टिक, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। कोई ऐसा पॉइंट जिसमें आपके आंसू आंसू आए? नहीं, आंसू तो मुझको नहीं आए हैं प्रैक्टिकली, लेकिन एक अच्छी कहानी थी, मुझे ग्रिप कर रखा उसने, बांधे रखा, और सेंसिबल मूवी, नाइस फिल्म, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन है। और ये आज की सरकार के समय में ही शायद ऐसी चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सालों से 70-80 साल से तो सच्चाई को दबाने की बरसक कोशिशें की गई। मतलब ये बांध के रखती है मूवी? नहीं, मैं बोल रही हूँ पलक झपकने का भी समय नहीं होता आपके पास, आप एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे कि आंख ब्लिंक कर ले, क्योंकि इस फिल्म में कितना, मतलब कहते ना कि मानवता को झकझोर देने वाली फिल्म है। और मैं ये भी नहीं कह रही कि ये फिल्म जो है पूरा पार्ट कंप्लीट, जबकि बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज के जो कारनामे, उसका एक छोटा सा पार्ट प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। जो सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट को लेना ही बहुत बड़ी बात है हमारे देश में, देख के मेरी रूह कांप गई थी, आई वॉज लिटरली हैविंग गूज़बम्प्स। हेलो गाइस, तो भाई अभी तक आपने मूवी देखी नहीं देखी मेरे को कमेंट करके बताओ, द कैलरा स्टोरी। तो भाई इसके अंदर क्या कुछ दिखाया गया, चलिए बात करते हैं। भाई ये मूवी, पहले मैं आपको बता दूं, सच्ची घटना पर आधारित है। 32,000 कैलरा की जो यानी कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़की थी, उनको किस तरीके से भाई मुस्लिम बनाया गया, धर्म परिवर्तन करवाया गया, और उनके साथ जो अश्लीलता हुई है इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। और उस मूवी को भाई लड़कियों को कैसे भाई आतंकवादी बना के भाई सीरिया और जैसी कंट्रीज में आतंकवाद फैलाने के लिए भेजा गया है, ये सब मूवी के अंदर दिखाया गया है। बात करूँ यार ओवरऑल मूवी से, यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेरे को देखने में लगी, क्योंकि यार मूवी के अंदर बहुत दर्द है भाई, कहानी है कि भाई इनके साथ कैसा अत्याचार हुआ है, फिर हम तो यार देख रहे हैं जिनके साथ हुआ है वो कैसा फील कर रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं मूवी के अंदर स्टोरी कैसे दिखाई गई। तो मैं आपको सबसे पहले स्टोरी बता देता हूँ, इसमें चार लड़कियाँ दिखाई गई है, जो कि भाई दो लड़कियाँ मुस्लिम होती है, एक हिंदू होती है, एक साथ इसमें क्रिश्चियन दिखाई गई है। जो कि भाई दो लड़कियाँ मुस्लिम होती हैं, वो एक संगठन से जुड़ी होती है जो कि ISI का संगठन होता है, और वो बोलता है कि भाई अपने साथ और लड़के को जोड़ो, उनका धर्म परिवर्तन करवाओ, उनके साथ अश्लीलता करवाओ, और अपने ग्रुप में लेकर आओ, ताकि वो उन लड़कियों को भाई आतंकवाद के द्वारा यूज़ कर सके, उनको अलग अलग देशों में आतंकवाद करने के लिए भेज सकें। तो मूवी की स्टोरी काफ़ी जो सेंसिटिव बनाई गई है भाई, जनता को दिखाने के लिए भाई किस किस तरीके से आपको बचना चाहिए, अपने लड़कियों को कैसा ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी अच्छा एक मैसेज देती है मूवी, काफ़ी अच्छी स्टोरी है भाई, आपको थिएटर्स के अंदर ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल मूवी देखने में ये लग रही है। तो दोस्तों यार वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।